हाँ देवाय नमः। मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज यूट्यूब चैनल से अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग भारवी महाकवि भारवी के जीवन वृत्त को पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोगों ने अभी तक उनका सामान्य जीवन परिचय पढ़ा, उसमें थोड़ा अन्य विशेषताएँ जो हैं इस प्रकार हैं। ये संप्रदाय इनका संप्रदाय शैव धर्म था, उनकी उपाधि आदपत्र भारवी थी। इस संबंध में कहा है, आदत्ते कनक मया मयात्रपत्र लक्ष्मी किराता, जो उनके पांचवें सर का 39वां श्लोक है। इस श्लोक में कनकमय आत्पत्र सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आत्पत्र भारवी रख दिया। आश्रयदाता विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे, द्वितीय दूसरा माने जाते हैं सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इसके आश्रयदाता थे। दुर्विनीत महेंद्र विक्रम वीर सिंह विष्णु के पुत्र थे। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। भारवी दंडी के प्राप्तितामा हैं। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। श्री एन सी चटर्जी महारवि भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। एक विद्वंदी के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया या जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दे दिया। भारवी का जन्म 560 ईस्वी लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीय पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। भारवी राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। मल्लिनाथ की कविता की उपमा का नारिकेल फल से करते हैं, नारिकेल फल सम्मितम वचा। दक्षिण के एवं शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। भारवी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्म्यांत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल वदम को श्रेयांत महाकाव्य और श्रीहर्ष के नैषधीय चैतम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार सहसा विदित नाक्रियाम भारवी का अति प्रिय श्लोक था। उसने अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखा था। उसके पिता उसकी व्युत्पत्ति और योग्यता वृद्धि के लिए समय समय पर उसे टुकते रहते थे। एक बार भारवी के सम्मान में आयोजित सभा में उसके पिता ने उसे डांट दिया। क्रुद्ध भारवी ने अपने पिता की हत्या का निश्चय किया। रात्रि में घर पहुंचने पर खिड़की से उसे यह श्लोक दिखाई दिया। वह खिड़की के पास रुककर माता पिता का वार्तालाप सुनने लगा। पिता कह रहे थे, उसकी योग्यता वृद्धि के लिए मैंने उसे डांटा है। यह सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया और उसने अनुचित क्रोध के लिए माता पिता से क्षमा मांगी। इसी किंवदंती का परिवर्धित रूप यह है कि भारवी के पिता से इस अपराध का प्रायश्चित पूछा और उन्होंने कहा कि ससुराल जाकर सेवा व्रत करो। उसने वहां गौ सेवा का कार्य किया। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण देना पड़ा और धरोहर के रूप में उसने सहसा विदित नाक्रियाम श्लोक रख दिया। वणिक ने श्लोक का अर्थ समझा और रट लिया। वणिक व्यापार के लिए विदेश गया और कई वर्षों बाद लौटा। उसका छोटा बालक युवा हो चुका था और माता के पास सो रहा था। वणिक उसे परपुरुष समझकर पुत्र और पत्नी दोनों की हत्या के लिए उद्यत था। सहसा धरोहर का श्लोक स्मरण हो आया और उसने अपनी पत्नी को जगाया। तब उसे ज्ञात हुआ कि वह परपुरुष नहीं अपितु उसी का इकलौता बेटा है। पुत्र और पत्नी की हत्या से बचाने वाले श्लोक कर्ता के प्रति उसने हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता के रूप में संस्कृत महाकाव्यों के इतिहास में भारवी विख्यात हैं। उन्होंने महाकाव्य के विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसमें भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष पर ही अधिक बल रहता है। पांडित्य प्रकर्ष को अभिव्यक्त और मूल विषय का त्याग करके लंबे वर्णों में उलझ जाना इस मार्ग की विशिष्टता है। पांडित्य प्रदर्शन
की प्रवृत्ति अश्वघोष में थी, किंतु वे विषय का त्याग नहीं करते थे। भारवी के बाद के कवियों ने दोनों को अपनाया, इसलिए भारवी को एक विशेष स्थान प्राप्त है। भारवी का यदि समय देखें तो भारवी का समय छठी शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचनाकाल 580 के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। पुलकेशिन द्वितीय का भारवी के समय में के निर्धारण में कुछ प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख, वामन और जयादित्य की काशी का वृत्ति, गुमरंडीपुर का पत्र लेख, महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी की कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथासार, विष्णुवर्धन सिंह विष्णु और दुर्विनीत की ऐतिहासिकता, भारवी का जन्म समय 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। भारवी का रचनाकाल 615 ईस्वी के लगभग, भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास, 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य, छठी शती के उत्तरार्ध से सातवीं शती के पूर्वार्ध तक माना जाता है। अब भारवी महाकवि भारवी की प्रशस्तियाँ ये देख लेते हैं। तो भारवे अर्थ गौरवम, मुद्भट्ट ने इनके विषय में कहा, भारवे अर्थ गौरवम वृत्तक्षत्रस्य वाक्वापि वंशस्य विचित्रता प्रतिभा भारवेन स्वच्छायनाधिकृता। छेवेंद्र सुवतिलक में इनकी प्रशंसा, इनकी वंशस्थ छंद की प्रशंसा की। मल्लिनाथ ने कहा, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयंतु रस गर्भ निवरम सारमयस्य रसिका यथेस्थितम। अर्थात भारवी का काव्य नारियल में भरे हुए पानी के रस के समान है, ऊपर से कड़ो और अंदर से रसीला। और अगला है, कृष्ण कवि ने कहा, प्रदेश वृत्त्यापि महात्म्यर्थम प्रदर्शयन्ति रसमादधाना सा भारवे सत्पथ दीपिकेव ऐसा कृति कैरिव नोपजीव्या। सरदा तन्ने ने कहा तदात्म्यम रस भारवयो भारवी स्पष्ट मूचितवान। और श्रीधरदास सुदुक्ति कर्णामृत ने कहा, प्रकृति मधुरा भारवी गिरी। आचार्य कपिल देव कहते हैं, वंशस्थ वृत्तेन्द्र तात्पत्रो वृत्तेन संदर्शित राज वृत्ति अर्थ प्रकर्षारत लाज लक्ष्मी निपायते भारवीरार्थ कीर्ति। और एक प्रोफेसर ए वी केत ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में कहा, देयर इज नो डाउट ऑफ द पावर ऑफ भारवी इन द डिस्क्रिप्शन हिज स्टाइल एट द वेस्ट हैज ए क्लेम डेनेस्टी विच इन ए कर्टिनेली अट्रैक्टिव विल ई द स्किल्स आल्सो इन द ऑब्जर्वेशन एंड द रिकॉर्ड ऑफ द ब्यूटीज ऑफ द नेचर एंड द माइडेंस। भारवी को वर्णन सत्य के विषय में संदेह को अवसर नहीं है। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी है, जो निश्चय ही आकर्षण है। वे प्रकृति और प्रमदताओं को के सौंदर्य निरीक्षण और उन्हें विचित्र करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। एवल शिलालेख में रविकीर्ति ने कहा है भारवी के विषय में, सामेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभो गिराम, सामेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभो गिराम, अनुसंधान अनुसाध्यान करुण मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने, अनुसाध्या करुण मैत्री नरेंद्र विष्णुवर्धने। रविकीर्ति ने और लेख में लिखा, आचार्य कपिल देव ने अन्य भी कहा है, अर्थधीदिति संवीता सन्नीरजसुहासिनी अज्ञोलोक निरानंदा सावेरिव भारवे। भारवी शैव दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग में शिव स्तुति की है। भारवी किस कवि से प्रभावित थे? कालिदास से। भारवी में से कौन प्रभावित था? तो महाकवि मार्ग प्रभावित थे। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भरत मिट्ठ की भांति भारवी की भी परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। सुरते चौज्जैन्याम काव्यकारक परीक्षा।
विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारवी विश्ववर्धन सिंह विष्णु महेंद्र विक्रम और दुर्गुणीत के आश्रम में रहने वाले एक दाक्षरात्य कवि थे। महाकवि भारवी का जन्म नासिक के समीप पड़ती वराड़ प्रांत के अचलपुर एलिजपुर नामक गांव ग्राम में हुआ था। महाकवि भारवी की मित्रता थी चालुक्यवंशी राजा विश्ववर्धन से। भारवी के तीन पुत्र थे, उनके मध्यम पुत्र मनोरथ के चार पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र वीरदत्त था। इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र से दंडी पैदा हुए थे। महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवी का नाम लिया जाता है। भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कामनी कल्पनाओं, अर्थगौरव, हृदयग्राही, शब्द योजना, कोमल कांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रसपेशला, सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहु कम होता है और वर्णन अधिक। भारवी की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकृत सन्निवेश का को प्रधानता दी गई है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष, हृदय पक्ष की अप्रधानता का वर्णन मिलता है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं। भारवी के 13 और माँ के 16 माने जाते हैं। भारवी ने वंशस्थ छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त चंद इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, दुद्विलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षिणी, स्वागता, पुष्पिताग्र आदि का प्रयोग मिलता है। भारवी वीर रस के सिद्धस्थ कवि माने जाते हैं। तो हम अब महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। निःशुल्क संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं टेट, सी टेट, टी जी टी, पी जी टी, यू जी सी, डी एस एस बी की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर महादेव संस्कृतम को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें या बिना पूर्णतया निःशुल्क अर्थात आपको ये लगातार वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और इसका कोई शुल्क आपको देना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि कुछ इसमें कमियां हैं तो आप कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं आगे विषय में। क्षेमेंद्र ने भारवी के वंशस्थ वृत्ति की प्रशंसा की है और वंशस्थ को राजनीतिक चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारवी की भाषा और शैली का द्योतक माननीय मंत्र है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरातार्जुन महाकाव्य का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तब तक के लिए महादेवा।